मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा लेट नाइट अपलोड किया था मैंने। कल मैंने अलैंगिक जनन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे जीवों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का एक आइडिया आपको इसमें दिया जाएगा कि लैंगिक जनन में होता क्या है। देखिए, आप जानते हैं लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल। नर का जो सिंबल है बेटा, ये आपको बिल्कुल लर्न करना है, ये बार बार नहीं बताया जाएगा आपको। और ये फीमेल का सिंबल है, ठीक है? तो ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि मेल का सिंबल कैसा होता है, फीमेल का सिंबल कैसा होता है। जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है वो द्विगुणित होता है, 2N लिखा है मैंने, ये भी द्विगुणित है। मैंने सिंबॉलिक बनाया है, इसमें दो सेट है क्रोमोसोम के, इसको हम 2N कहते हैं। देखिए, और यहाँ पे आप देखिए दो सेट है, एक सेट एक ये है और एक ये है, ठीक है? तो ये द्विगुणित है। इसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो युग्मक जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, देखिए अर्धसूत्री विभाजन आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। इसमें एक सेल से चार सेल बनते हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है? तो ये जो चार सेल बनते हैं, देखिए इसका आधा हो जाता है इसमें गुणसूत्र की संख्या। आप देखिए इसमें कितने गुणसूत्र थे, चार थे, एक सेट एक सेट। इसमें एक सेट का एक आया, दूसरे सेट का एक आया, ठीक है? तो फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यह आपको पढ़ाया गया है। इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार सेल्स बनती हैं, और ये चार सेल्स जो बनती है इनको हम युग्मक या गैमेट्स कहते हैं। लिखा मैंने युग्मक, इंग्लिश में गैमेट। आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में सीखना है, और ये प्रोसेस कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। सेम वेदर फीमेल के केस में भी हुआ, चार युग्मक यहाँ भी बने, ठीक है बेटा? युग्मक बनने के बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो निषेचन की होती है, फर्टिलाइजेशन की। अब देखिए, एक गैमेट नर का है, एक गैमेट मादा का है। मैंने यहाँ पे इनको कलर से शो किया हुआ है, ठीक है? देखिए, अब दो सेट तो यहाँ पे बन गए हैं, तो दो सेट यहाँ भी थे ना, और दो सेट यहाँ भी बन गए। पर अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें ये इंसाला कैसे है, देखिए चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, चार इसमें भी। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि इसमें एक सेट का एक यहाँ से आया है, और इसी सेट का दूसरा यहाँ से आया है। यानी एक हाइब्रिड है, एक कंबाइंड है। इसमें इसके कैरेक्टर भी हैं और इसके कैरेक्टर भी, यानी इसमें इसके कैरेक्टर भी हैं और इसके कैरेक्टर भी, ठीक? इसको हम जायगोट या युग्मनज कहते हैं। ये 2N हो जाता है फिर दोबारा, और फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है? समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण बनता है, और इसे भ्रूणोद्भवन कहते हैं। और ये भ्रूण आगे चल के पूर्ण जीव को बनाता है। इट मे बी अ प्लांट और इट मे बी अ एनिमल। अब इसमें मैंने एक लाइन से इसको बताया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है, इसको कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरे नंबर का जो है ये रहा, इसे हम कहते हैं निषेचन। तीसरा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें आपका युग्मनज निर्माण के बाद की प्रोसेस है, इसे पश्च निषेचन घटनाएं कहते हैं। तो आप इस चार्ट को बिल्कुल लर्न कर लीजिए, याद रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें ये बार बार रिपीट होगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब आपको समझने में आसानी रहेगी। अब युग्मक के प्रकार, कितने प्रकार के युग्मक होते हैं बेटा? युग्मक दो प्रकार के होते हैं आकार के आधार पे। एक कंडीशन होती है समयुग्मक। समयुग्मक जो सवाल होता है उसमें पाए जाते हैं, उसमें नर और मादा आप युग्मक आप नहीं कहोगे, दोनों युग्मक एक जैसे, ये नर से बना आ रही मादा से बने। तो यहाँ नर मादा युग्मक कहाँ आप इसको डिफाइन करोगे, दोनों सेम है, तो इन्हें समयुग्मक कहते हैं। और ये संलयन करके युग्मनज बनाते हैं। युग्मक और युग्मनज, एक गैमेट है और एक जायगोट है, तो ये संलयन करके आपका क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। दूसरा है विषमयुग्मक कंडीशन। विषमयुग्मक कंडीशन में क्या होता है, इनके आकार समान नहीं होते, अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं। जैसे ये देखिए, ये मादा युग्मक है, गोल है, और ये दोनों नर युग्मक है। ये प्लांट में होता है पुमाणु कहते हैं, ये मनुष्य में होता है शुक्राणु कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ मादा युग्मक और नर युग्मक के आकार में अंतर है। ये स्थिर होता है और ये चलायमान होता है,
ठीक है। तो ये संयुग्मक और विषमयुग्मक कंडीशन आपको समझनी है कि युग्मक जो होते हैं लोअर प्लांट में, विशेषता सहवाल में, दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं जिन्हें संयुग्मक कहते हैं। और हायर प्लांट में, हायर एनिमल्स में जो होता है वो अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं जिन्हें एक्सेल और शुक्राणु या एंथ्रोजॉइट या पुमाणु कहते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट है जीवों में लैंगिकता। ठीक है, लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी, हम सेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे इसमें। सबसे पहले हम अगर पादप की बात करें तो पादप में आप जानते हो पादप में जो जनन अंग है वो पुष्प है, फ्लावर है। तो सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में समझते हैं, प्लांट के बारे में हम बाद में जाएंगे। मैंने इसमें ये आपको लाइन में मैं कर देती हूँ। इसमें देखिए, यदि एक पुष्प है उसमें नर पार्ट भी है और फीमेल भी, दोनों सेक्स है, तो इसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका गुड़हल है उसमें नर फ्लावर भी होता है, फीमेल फ्लावर भी उसमें होती है। लेकिन यदि कोई फूल है उसमें केवल एक ही सेक्स है तो वो एक लिंगी है, उसमें केवल या तो नर पुष्प होगा, अगर नर पुष्प होगा तो उसको नर फ्लावर या स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। और यदि उसमें केवल मादा सेक्स है तो उसे, वो भी एक लिंगी है, याद रखिए आप एक ही लिंग है उसमें, ठीक है, उसे मादा पुष्प या पिस्टिलेटेड फ्लावर हम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम फ्लावर से पादप में आते हैं। पादप में क्या होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, अगर पादप में मेल और फीमेल दोनों पुष्प हैं तो उसे मोनोसियस या उभयलिंगाशय कहते हैं। ठीक है, जैसे कद्दू है, लौकी है। लेकिन यदि किसी प्लांट में एक ही प्रकार का फूल हो, या तो नर ही हो या मादा ही हो, तो उसे एक लिंगाशयी प्लांट कहते हैं। जैसे पपीता है, पपीता के दो प्लांट होते हैं, एक नर प्लांट होता है, एक मादा प्लांट होते हैं। मतलब उसमें एक ही पेड़ में दोनों फूल नहीं आते, नर वाला, नर पुष्प का प्लांट अलग होगा, मादा पुष्प का प्लांट अलग होगा। तो ये थोड़ा जो टर्म है आपको याद रखनी है, बार बार यूज होगा। तो यहाँ पर एक चार्ट भी बनाया है कि जो उभय लिंगाशयी पादप है उनमें बाईसेक्सुअल पुष्प होते हैं, और जो एक लिंगाशयी पादप है उसमें यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो इतनी जल्दी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, आप इसे बार बार पढ़िए, लिखिए कॉपी में, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पे आपको टर्म्स याद करनी है, और टर्म्स तभी याद होगी जब आप बैठ के कॉन्सेंट्रेट होकर इनको पढ़ेंगे। जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में आप जानते हो मनुष्य में, जानवरों में दो सेक्स होते हैं, नर और मादा। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग भी एक ही जीव में होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हर्मैफ्रोडाइट, द्विलिंगी जीव। तो परीक्षा में आपसे द्विलिंगी जीव की जगह कभी कभी इंग्लिश में पूछ देता है हर्मैफ्रोडाइट क्या होते हैं, तो आपको इंग्लिश टर्म्स भी याद होनी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल होता है केंचुआ। केंचुआ जो होता है उसके अंदर नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग भी एक ही केंचुए के अंदर, इसको हम कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। ठीक बेटा, नेक्स्ट हमारा जो है रिप्रोडक्टिव फेज, जनन अवस्था। मैंने आपको पीछे बताया था लाइफ स्पॉन में कि एक कंडीशन आती है जिसे हम जनन प्रवस्था कहते हैं। तो जनन प्रवस्था में दो चीज़ें यहाँ पे टर्म है इसलिए आपको बताया जा रहा है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। ठीक है, मोनोकार्पिक क्या होता है, जो पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प बनाते हैं और उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे गेहूँ, गेहूँ में आप देखिए गेहूँ की बालियों में एक बार गेहूँ के दाने बन जाते हैं, फूल आने के बाद तो गेहूँ आप नष्ट हो जाते हैं, दोबारा यूज़ नहीं करते उसे। ऐसे आपका सरसों है, चावल है, इसमें मैंने बांस के बारे में लिखा, बांस की दो प्रजातियाँ हैं, मेलोकैना बैम्बूसॉइड और बैम्बूसा टुलिडा। इनकी उम्र बेटा 50 से 100 वर्ष होती है। क्यों? क्योंकि इनमें सपोज 100 साल के बाद फूल आया, फूल आने के बाद वो बांस नष्ट हो जाएगा, या 50 साल के बाद बांस में फूल आया उसके बाद बांस का पेड़ नष्ट हो जाता है। बांस में फूल आए समझ लीजिए बांस मृत होने वाला है, ठीक है, इनमें 50 से 100 साल के बाद फूल आते हैं। पॉलीकार्पिक क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनमें हर साल फूल आते हैं, जैसे आम है, अमरूद है। अब देखिए आम के पेड़ में हर एक सीजन में फ्लावर आते हैं, आम आते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर फूल आते हैं, तो उन्हें पॉलीकार्पिक है। ठीक, इसके बाद है आपका गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ठीक है, नेक्स्ट है युग्मक जनन। युग्मक जनन हायर एनिमल में दो प्रकार का होता है, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, शुक्राणु जनन और अंड जनन। ठीक, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको एक आउटलाइन दी जा रही है, बस आप याद रखिए, टर्म याद रखिए।
इसी प्रकार हायर प्लांट में क्या है, इसमें भी आपका क्या होता है, नर युवक बनते हैं प्लांट में, और कहाँ बनते हैं, पराग कण के अंदर, पोलन ग्रीन होते हैं ना जो, उनके अंदर लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है और पराग कण के अंदर नर युवक बनते हैं, ठीक है। और मादा के केस में अंडाशय ओवरी जो होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजाणु में गुरु बीजाणु जनन के द्वारा अंडकोशिका का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। तो अभी आप केवल इसका टर्म याद कीजिए, इसके जस्ट बाद में यही चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं, देखिए गैमेट का ट्रांसफर पादपों में जो नर युवक होते हैं वो गतिशील होते हैं, और जो इसके लिए एक विशेष क्रिया होती है जिसे हम परागण कहते हैं, परागण की क्रिया के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है निषेचन, ठीक है। तो निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन जो होता है मेंढक में होता है, आपने देखा होगा मेंढक में नर मेंढक और मादा मेंढक होते हैं, तो नर मेंढक अपने स्पर्म पानी में रिलीज कर देता है और मादा मेंढक अपने अंडे पानी में रिलीज कर देते हैं, और दोनों का फर्टिलाइजेशन पानी में ही होता है, तो शरीर से बाहर है। इसके नोट्स मैं आपको बुक की फ़ोटो खींच के भेज दूँगी, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अंतः निषेचन जो होता है शरीर के अंदर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, ये हायर एनिमल्स में और हायर प्लांट्स में होता है। इसके बाद है बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी जायगोट से भ्रूण का बनना, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आपको केवल टर्म याद रखनी है। इसके बाद मैंने लिखा अंड प्रजक जीव, ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो जीव एग देते हैं, अंडे देते हैं, जैसे मेंढक है, मेंढक ने जो एग दिया वो अनिषेचित था, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन वाटर में हुआ। लेकिन जो सरीसृप है आपका, जैसे सांप है या पक्षी है, चिड़िया है, ये निषेचित अंडे देती हैं बेटा, इनमें निषेचन शरीर के अंदर होता है, और उसके बाद जो फर्टिलाइज एग होता है वो शरीर से बाहर आता है। शरीर से बाहर आने से पहले इनमें क्या होता है कि जो रेप्टाइल्स हैं और आपके बर्ड्स हैं, ये एक विशेष कैल्शियम कार्बोनेट का खोल इनके चारों ओर बना देते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे, ठीक है। और सजीव प्रजक जीव क्या होते हैं, जो जीव बच्चे पैदा करते हैं, जैसे मनुष्य है, जानवर है, आपके गाय बछड़े हैं, ये बच्चे देते हैं, ये अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। जैसे मैंने एक लिखा है क्लियोडोइक एग्स। क्लियोडोइक एग्स क्या होते हैं बेटा, क्लियोडोइक एग्स होते हैं आपके, कि इन एग्स में पर्याप्त योग होता है, योग यानी पीला भाग, अंडे का जो पीला भाग होता है उसे योग कहते हैं, और इससे ये योग कितना पर्याप्त होता है कि ये अपना पूरा का पूरा भ्रूण से पूरा जीव इसमें इससे बना सकते हैं, भाई पोषण की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एग क्या कहलाते हैं, क्लियोडोइक एग कहलाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसमें पादप में भ्रूण कहाँ बनता है। पादप में भ्रूण बीज के अंदर होता है, ठीक है, बीज आपने देखा है। तो पादप की बात करें, पादप का भ्रूण बीज के अंदर होता है, और बीज कहाँ होता है, फल के अंदर, ठीक है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बीज फल के अंदर होता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जैसे चीड़ है, साइकस है, इसमें बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, इनमें फल होते नहीं, इनमें बीज नग्न होते हैं, लेकिन इनमें भ्रूण होता है जो कि बीज के अंदर होता है। आज के लिए इतना ही है बेटा, और कुछ बुक्स के पिक्चर्स मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है, पढ़ लीजिए इनको, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप मुझे जो नोट्स बना रहे हैं उसकी फ़ोटो खींच के भेजिए, ताकि मुझे लगे आप कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। केवल मैं ही मेहनत नहीं कर रही हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, और इससे अच्छा लगता है। जो वीडियो डेली डाले जाते हैं ना, डेली पढ़िए, छोड़िए मत, छोड़ने में आपका ही नुकसान है। सो थैंक यू फॉर टुडे।